भी डाल देना। क्या क्वेश्चन बता रहा है? डार्क चैनल तो पढ़ाया था, वो पढ़िएगा। हाँ वो मैंने पढ़ा था। अभी तुम्हारा सब नेटवर्क सही हो गया? शॉर्ट की बात कर रहे थे हम लोग। शॉर्ट में कुछ थोड़ा सा ही तो पढ़ाया था, बाकी टाइम तो वो चला था आपका नॉर्मल था, एसिडिक था, बेसिक था, और कौन सा था? मिक्स्ड की बात हुई थी, और कोई बात हुई थी? एक होता है डबल, डबल सॉर्ट। नॉर्मल क्या था? इतने की जरूरत नहीं है, देखिए ध्यान से। नॉर्मल का क्या मतलब है? कि एसिड के जो एच प्लस है वो भी हट जाए, रिप्लेस हो जाए सारे के सारे, और आपके बेस के भी ओ एच माइनस यूज हो जाए सारे के सारे, और आपका जो सॉल्ट बने उसमें ना एच प्लस हो और ना ही ओ एच माइनस हो। एच प्लस और ओ एच माइनस के अलावा एक पॉजिटिव आयन हो, और एक टाइप का पॉजिटिव आयन और दूसरे टाइप का नेगेटिव, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। जैसे Na2CO3 हो गया। अब कोई ऐसा नहीं हो देगा कि यहाँ पे दो सोडियम है, दो टाइप का सोडियम हो गया और एक हो गया CO3। सोडियम का टाइप एक ही है, सोडियम लिखे, तो सोडियम और कार्बोनेट, सोडियम और क्लोराइड, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। एसिडिक किस कंडीशन में क्या रहते? जब आपके दो पॉजिटिव आयन आएंगे जिसमें से एक होगा हाइड्रोजन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था NaHCO3 ले, इसको अगर ब्रेक करोगे तो Na प्लस बनेगा, H प्लस बनेगा और CO3 माइनस टू। दो टाइप के पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक क्या है? H प्लस। एक तो कोई और होगा और एक क्या होगा? H प्लस। ऐसे सॉल्ट को क्या बोल दोगे? तीसरी कैटेगरी थी बेसिक। बेसिक से क्या कर दो कि उसमें क्या आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा, यानी कि दो तरीके के नेगेटिव आयन आ जाएंगे। जैसे आपका ये आ गया MgOHCl, अगर ये ब्रेक होता है तो क्या बनाता है? Mg प्लस टू, OH माइनस और Cl माइनस। यहाँ पे पॉजिटिव एक ही तरीके का है, नेगेटिव क्या है? दो तरीके के, जिसमें से एक क्या होगा? OH माइनस। तो ऐसे को क्या बोलोगे? बेस। चौथा जो टाइप था वो क्या था? मिक्स्ड था। दो तरीके के पॉजिटिव भी हो सकते हैं या टू टाइप्स के नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो H प्लस और OH माइनस उसमें नहीं होगा। जो दो तरीके के पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे उनमें क्या होगा? H प्लस या OH माइनस नहीं होगा, क्योंकि H प्लस और OH माइनस अगर आ गया तो एसिडिक बेसिक की कैटेगरी में। जैसे जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग पढ़ते हैं CaOCN2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। ये जब ब्रेक होता है तो Ca प्लस टू, OCl माइनस और Cl माइनस बना रहा है। दो तरीके के नेगेटिव आयन बना रहा है, एक ये और एक ये। ये नेगेटिव में OH नहीं है, OH होता तो किसमें कैटेगराइज कर सकते? बेसिक। लेकिन यहाँ पे दो तरीके के नेगेटिव आयन है, एक तरीके का पॉजिटिव आयन, तो ऐसे को क्या बोलोगे? मिक्स्ड। क्लियर है? यस मैम। और लास्ट जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में सिंपल मतलब नॉर्मल दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, दो सॉल्ट आपस में क्रिस्टलाइज होते हैं, तो टू सॉल्ट का क्या होगा? कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। जैसे एल्युमिनियम की बात करते हैं, फिटकरी सुना है आपने? यस मैम। व्हाइट कलर के, ऑफ व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। यस मैम। इसको
कौन से दोस्त है इसमें? एलम, ठीक है, एलम क्या है? डबल सॉल्ट है। अगर हम लोग नॉर्मल एलम की बात करें, पोटाश है। नॉर्मल जो एलम हम व्हाइट कलर का देखते हैं ना, पोटाश है। ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट है क्यों? इसका फॉर्मूला अगर देखें तो ये होता है K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24H2O। इसमें अगर देखो तो पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट, एल्युमिनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल जब बनता है तो कितने मॉलिक्यूल अटैच है? अगर आपने नहीं भी याद रहता है फॉर्मूला तो क्या याद रखना है? एलम जो है वो किसका एग्जांपल है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब दो तरीके के नॉर्मल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब अगर इसको पानी में आप डिजॉल्व करोगे, ये अगर ब्रेक होगा तो कितने तरीके के आयंस करेगा? दो, देख के बोलो ना, दो तीन चार, यहाँ थोड़ी लिखा, यहाँ कौन कौन से देने के चांसेस? कविचर बताओ कौन से देने के चांसेस? ये अगर ब्रेक होगा तो कौन कौन से चांसेस? तीन, मेरे तीन, आपके भी तीन है। अरे हाँ, एक तो पोटेशियम देगा, एक सल्फेट देगा, यहाँ पे एल्युमिनियम देगा, यहाँ पे सल्फेट देगा, दोनों सल्फेट सेम है। ऐसा नहीं कि इसका सल्फेट अलग है, इसका सल्फेट बोले तो सल्फेट, तो एक ही चीज है। तो एक पोटेशियम, एक एल्युमिनियम और एक क्या देगा? सल्फेट। तो अगर वैसे देखो तो ये मेटल और एक ये माइनस वाला, दो तरीके के पॉजिटिव और एक अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी टूट गया, सपोज ये पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, तो H प्लस भी देगा और OH माइनस भी देगा। तो कितने तरीके के होगा? तीन तो ये, और H प्लस और OH माइनस को भी अगर काउंट कर ले तो पांच तरीके। ठीक, हाँ जी मैम, मुझे पूछना है कि डबल सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और मैम मुझे एक बार ये पूछनी है कि सोडियम जिंकेट होगा तो वो एक सॉल्ट का एग्जांपल होगा। किसका सॉल्ट का एग्जांपल होगा? सोडियम जिंकेट। मिक्स सॉल्ट नहीं, सोडियम जिंकेट मिक्स नहीं होता है, सोडियम जिंकेट ऐसे सोडियम जिंकेट की बात कर रहे हैं ना। फॉर्मूला क्या है सोडियम जिंकेट का? हम Na2ZnO। ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसकी कुछ बनावट इस तरीके की होती है कि जब ये ब्रेक होता है तो ये बनाता है Na प्लस और Zn4 माइनस, दो तरीके के ही देता है, एक ये देता है और एक जिंकेट आयन देता है। ये तो सॉल्ट का हमने क्या पढ़ लिया, कैटेगराइजेशन पढ़ लिया, कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में हम सॉल्ट को पढ़। सॉल्ट के कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं कि पीएच बताओ, फॉर्मूला दे देंगे और बोलेंगे इसका पीएच क्या होगा, या पूछेंगे कि इसका अगर वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो इसको हम पता कैसे लगाते हैं? कुछ तो पहले याद रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और
अरबिक बेग के पहले एग्जाम्पल है, उससे ये आपका क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर आप याद रखेंगे तो किसको किसको याद रखिए, एक तो HCl को, H2SO4 को, HNO, B को, HClO, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, फास्फोरिक एसिड के शॉर्ट पूछे नहीं जाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बेस में दो याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। पीएच एचसीएल पर ज्यादा होता है या एचसीएल फोर पर ज्यादा होता है? एचसीएल या एचसीएल फोर एचसीएल पर क्लोरिक एसिड। NaOH, KOH, strong base होगा। Weak acid में याद रखो, acidic acid, carbonic acid, carbonic acid, carbonic acid में weak है, H2CO3, methanoic को भी weak है। इन दोनों से तुम्हारा काम बन जाए जो salt। वीक बेस में याद रखो NH4, OH, CO3 कहाँ CO3 बच्चा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, इतने तो याद होते ही। अब कैसे पता लगाओगे? जैसे मान लो कि आपको पता लगाना है कि सॉल्ट गिवन है आप और बोल रहे हैं कि इसका पीएच बताओ या इसका नेचर, तो पीएच कैसे बताओगे? पीएच में आप बताते हो, नेचर में क्या क्या बता सकते हो, एसिडिक बोल सकते हो, बेसिक आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, नॉर्मल, न्यूट्रल। पीएच को क्या बता सकते हो? पीएच 7 है या पीएच लेस देन 7 है या पीएच ग्रेटर देन, यही तीन चीजें तो बता सकते हो। अब कैसे कैसे पता लगेगा वो देखते हैं। हो गया? क्या करना? जो क्वेश्चन में आपको सॉल्ट दिया है, मान लो ए बी सॉल्ट दिया है, तो उसको ब्रेक करना, ए प्लस और बी, उसमें जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दो और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिख दिया। उसके बाद क्या करना है सेकेंड स्टेप में? पहले स्टेप में इसको ब्रेक करो, सेकेंड स्टेप में क्या करो, ए प्लस के साथ ओ एच माइनस को लगा दो, बेस बना दो, और बी माइनस के साथ किसको लगा दो, एच प्लस को, और ऐसे एक बन जाएगा बेस। जिसके साथ ओ एच लगाओगे वो क्या बनेगा? इसके साथ H प्लस लगाओ तो वो क्या बन जाएगा? ये बना लो। फिर उसके बाद देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते
तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है न्यूट्रल और पीएच होता है अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल और पीएच क्या होगा ठीक। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस तो अगर एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक है तो जो स्ट्रॉन्ग चीज होगी वैसा ही नेचर। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाई दे रहा है तो नेचर कैसा हुआ सॉल्यूशन का एसिड का पीएच आपको पता है कितना होता है 7 से कम तो पीएच क्या आ जाएगा आपका लेस देन। यही अगर कंडीशन अपोजिट हो जाती है आपका वीक एसिड हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है तो जो चीज स्ट्रॉन्ग है वैसा ही नेचर हो जाएगा सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा बेसिक पीएच बेसिक का क्या होता है अगर दोनों चीज वीक है एसिड भी वीक है और ये भी वीक है तो अप्रोक्स न्यूट्रल रहता है और पीएच भी अप्रोक्स में अलग अलग नहीं लेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे ना जब पानी में घोलेंगे पानी में डिसॉल्व होगा एग्जांपल से देखो ताकि तुम्हारे पास कॉपी नहीं आई है मेरा पेन खत्म कर दिया था कल से सब लोग इसको गरीब आ जैसे मान लो आपको ये देंगे ये शॉर्ट है पहले इसका नाम बता दो जरा पॉजिटिव वाले को क्या देना है ओ एच माइनस और नेगेटिव वाले को क्या देना है एच और छोड़ के बना देना है यहाँ पे क्या करो H प्लस दे दो और यहाँ पे क्या दे दो OH माइनस ये NaOH बना लेगा और ये क्या बना लेगा CH3COOH ये जो था इसको हमने बताया था वीक और ये क्या बताया था इसको जब दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं तो नेचर कैसा होगा जो चीज स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा नेचर हाइड्रोजन तो अपन ने हाइड्रोजन जोड़ा तो यहाँ हाइड्रोजन ये भी कैसी और ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा निकल के आ गया अपना बेसिक क्या होगा मैं बोल के चले ऐसा क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया टेस्ट में तो उसकी क्या होगी बैंग बहुत अच्छे तरीके से
ऐसा होता है जो एल्केली होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ये जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है जनरली देखा बियर शॉर्ट गाइस भी एल्केली है स्ट्रॉन्ग बेस है ये व्हिच भी स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर में डिसॉल्व हो रही है ना वाटर में डिसॉल्व हो रही तो मतलब है नींबू आया है बहुत ही अजीब इसको कुछ से तोड़िए जरा करिए तो जरा देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं हम पहले वाले का आंसर हम बेसिक सॉल्व होगा मैं बोल रहा ना बेसिक होगा ना मुझको एन को एच से करना है वही कुछ मैं ना तो बोल रहा हूँ हम दूसरा वाला बताओ नाम आईपीडी सामने लगा सकते नीचे की तरफ में आगे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन से मतलब 9 10 से आनी चाहिए ये ब्रेक होता है तो 2Na+ बनता है सोडियम Na2 नहीं बनाएगा क्या बनाता है Na ही बनाता है 2Na+ बनाएगा दो आयन बनेंगे सोडियम कार्बोनेट जब टूटता है CO3- ठीक है अब इसको दे दो क्या दे दो OH- दो Na+ है तो दो OH- दे दो इसके पास CO3- का चार्ज है एक H+ पे कितने का चार्ज होता है +1 का तो यहाँ पे -2 का चार्ज है तो आपको दो H+ दे दो H+ दे दो ये क्या बना H2CO एक्चुअली अगर किसी कंपाउंड के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या था ये था कि ये CO3- -2 का चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में कितना होना चाहिए +2 जोड़ना है हमको H+ एक अगर H+ जोड़ते तो एक ही पॉजिटिव चार्ज होता ना एक आपको दो H+ जोड़ने पड़ेंगे ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाए और जब दो H+ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी चीज H2CO यहाँ पे 2Na+ और 2OH-
जोड़ दिए तो NaOH कितने बन गए, टू बन गए। अब ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और H2PO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है ये वीक एसिड। एक चीज स्ट्रॉन्ग एक चीज वीक, तो जैसा नेचर स्ट्रॉन्ग का होगा वही चीज हो, तो नेचर कैसा हो गया बेसिक, और बेसिक का पीएच कैसा होता है, अरे मोर देन चल रहे थे हाँ जी बात। NH4 Cl को ब्रेक कर लो, ये जब ब्रेक होता है तो बनाता है NH4+ और Cl-। जब प्लस वन का चार्ज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक जगह H+ और एक जगह OH- एक ही दे दो। प्लस वाले को क्या दोगे OH-, इसको क्या दोगे H+। इन्होंने क्या बना लिया NH4 OH, और इन्होंने क्या बना लिया, ये होता है वीक बेस, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH है तो हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, जब दोनों का नेचर अपोजिट है तो जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही सॉल्यूशन, और एसिडिक का पीएच क्या होगा, इसका क्या नाम था जो कंपाउंड दिया था, इसका क्या नाम था, अमोनियम क्लोराइड। बता दिए अच्छी बात है कि लिखिए, हम लिखेंगे पढ़िए जो बुक करूंगी आज
बता दिया तुम क्या कुछ और बता रहे हो नहीं अप्रोक्सिमेट ये माइनस पर टू क्या और ये ये टुकड़ों का पीओ फोर लिखा गया है तो और छोटू सा कैसा हो जाता है इक्वल लिखा है भी लिखते हो ध्यान रखो ये आदत पड़ जाएगी तुम लिखाओ और सब कर रहा हूं आगे कॉपी कर सकते नहीं दे हाँ मुंबई में रिकवर में कभी तो काम आएंगे दो दो तुम्हारा वो भी सी से छोटा जा रहा है और वो तो लिखा है कि तुमने अमोनियम एसीटेट को ब्रेक कैसे किया होमवर्क क्या है हाँ होमवर्क पे दे देंगे हम अमोनियम एसीटेट ये केसीएल में डिजाइन बना रहे हो होमवर्क ही को हम बी ए ओ एच फोर बाइस मैं यही पूछ लो आंसर मैं यूज़ होता है
एक तो आपका फूड में है ना, दूसरा चीज प्रिजर्वेटिव। यूजुअली पूछे जाते हैं कि एनएसीएल का जो बेसिक प्रिपरेशन है वो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। सी वाटर को क्या करते हैं, एवेपोरेट करा देते हैं, फिर उसके बाद वो पहले हीट अप होगा, फिर एवेपोरेट हो जाएगा और आपका नीचे की तरफ क्या होगा, सॉल्ट से क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो उसके प्रोसेस में कुछ खास बात नहीं है कि कैसे बनता है। बाकी जो कंपाउंड है उनके प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे बनना है। केमिकल नेम पता होना चाहिए जितने भी सॉल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है, कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे, सोडियम NaOH प्लस HCl। इसके लिए बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, मशीन्स, मशीन्स कुछ जहाँ पे जिन एरियाज में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे पाइपलाइंस को फिट करके सक्शन पंप लगा के इनको पीसते हैं। और दूसरा एक और प्रोसेस होता है, ये इवेपोरेशन वाला तो भाई सॉल्ट बेड्स बनाए जाते हैं, मतलब उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इवेपोरेशन का प्रोसेस कराया और उससे सॉल्ट क्या बन जाएगा, क्रिस्टल आपके तैयार। तो कुछ खास बात इसमें, बात क्या है खास, यूज कैसे, ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले पढ़ो इसमें क्या है, आज इसका फोन तो मैं दूंगी नहीं। सबसे पहले किस पे यूज करते हो आप, सबसे पहले मतलब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, फूड में यूज करते हैं। दूसरा प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे मम्मी नानी दादी जिसके घर में भी क्या बनता है, अचार वगैरह बनता है ना, तो उसको अचार बनाने में क्या करते हैं, उनको हाई सॉल्टेड कर देते हैं उसको, सॉल्ट थोड़ा सा, जैसे वेजिटेबल वगैरह जो हम लोग घर पे बनाते हैं उससे थोड़ा सा प्लस भी रखते हैं, कई लोग अप्रोक्सीमेटली डबल, कई लोग डेढ़ गुना इतना करके डालते हैं। तो ये कैसे काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह। तीसरी चीज इसका एक काम में लिया जाता है इसको, फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह। कैसे काम लेते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, ये करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या करता है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन समझते हैं, यस मैम, किसका डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा ये, डिक्रीज, स्लो कर देगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह जब आइसक्रीम वगैरह बनाया जाता है ना, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह। आइसक्रीम को जिस कंटेनर में प्रिजर्व करके जो उसका बॉक्स होता है, ठीक है। दूसरी चीज जैसे कहीं पे मान लो जहाँ पे ये स्नोफॉल वगैरह बहुत ज्यादा होता है, वैसी प्लेसेस पे या बाहर की जो कंट्रीज में जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, इस तरीके का टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे आपको ऐसा करना है कि जैसे मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, ठीक
ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ तो जम ही जानी है। तो मान लो आपकी गाड़ी खड़ी है या कुछ कोई भी चीज है, वो आइस से क्या हो गई, आइस की वजह से फ्लॉप हो गई। ठीक है, मान लो आपकी कार का व्हील आइस की वजह से फ्लॉप हो गया, तो वहां पे क्या करते हैं कि उस आइस में सॉल्ट मिला देते हैं। जब मिला दिया जाता है तो ये क्या करता है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। ठीक है, फ्रीजिंग पहले तो क्या करेगा, ये आइस को डिजॉल्व करेगा, क्या काम करेगा, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर। और सॉल्ट का क्या बन जाएगा, पहले वहां पे आइस थी केवल, अब उसमें आपने NaCl ऐड कर दिया, तो किसका सॉल्यूशन बन गया, वाटर और सॉल्ट। अब ये जो सॉल्यूशन है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है NaCl के ऐड करने की वजह से। अप्रोक्सीमेटली ये -21 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब टेम्परेचर जब तक -21 नहीं जाएगा तब तक वो जो पार्ट है वो फ्रीज नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे काम करते लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करवाने के लिए, ठंडी जगहों पे ऐसे कहीं पे अगर जम जाता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर नमक डाल देते हैं। जिनको बनाने के लिए NaCl यूज किया जाता है, इसके इंग्रेडिएंट की तरह बहुत सारे कंपाउंड्स के, केमिकल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में यूज करते हैं, एजेंट की तरह यूज क्या किया जाता है NaCl का, वाटर में क्या बनाते हैं सॉल्यूशन, इसको यूज किया जाता है। इस सॉल्यूशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ब्राइन। क्या नाम देते हैं, ब्राइन। इस ब्राइन को यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए। कौन कौन से केमिकल बना सकते हैं, कुछ दो चार तो याद रखेंगे। ब्राइन से क्या क्या बनता है, ब्राइन से बनता है क्लोरीन, ब्राइन से बनता है NaOH, ब्राइन से बनती है हाइड्रोजन, ब्राइन से बनता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्राइन से बनता है Na2PO3.NH2, ये सब कंपाउंड अभी पढ़ने वाले हैं। ब्राइन से बनता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, क्या क्या बनता है, क्लोरीन बनाने में काम आता है, इतने सारे कंपाउंड तो बताए और भी बहुत सारे कंपाउंड को बनाने में इसको यूज किया। रीजन क्या है, सोडियम से बने हुए कंपाउंड को बनाने में इसको यूज क्यों किया जाता है, बहुत ही इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत हाई है, दूसरी चीज बहुत ही सस्ता चीप है, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, बाकी केमिकल्स के कंपैरिजन में काफी मैं पीडीएफ से करूंगा।
हम बोल रहे हैं कि टीम जो बड़ी है नहीं नहीं क्यों ना पांच पीरियड से पढ़ना है ना 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 ये पीछे भी मत भेज चलिए आज तो चलिए तुम कौन से थे? 18 का 20 का 30 का 10 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 का